नमस्कार, मैं आप सभी को बता दूं, आज नयागांव क्षेत्र के अंदर निवाड़ी के निर्दलीय प्रत्याशी रमेश निराला जी, जो कि प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, मैं आप साथी को बता दूं, आज फलों का तुलादान आज नयागांव क्षेत्र के अंदर हो रहा है। गांव के अंदर मैं बता दूं कि इस तरीके से पूरा माहौल यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है। जानते हैं सर, नमस्कार बोलिए। आज ये कार्यक्रम हो रहा है, किस उपलक्ष्य में हो रहा है, कौन सा कार्यक्रम? ये सबसे पहले तो हमारे यहाँ की विधानसभा क्षेत्र के किसान जी बहुत ही कम से कम 4-15 साल से परेशान है, उनकी क्या समस्या है उनको लेके हो रहा है। और चूंकि मैं आज तक हूँ धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ, तो मैं इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ। यहाँ पर महात्मा जी का तुलादान किया जाएगा, जो एक पुण्य का काम मिलेगा। और हमारे जो आयोजक हैं लखन सिंह यादव, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम इसको रखा है, जिससे किसानों की समस्याओं को कैसे मिटाया जा सके। और ये बात निश्चित है कि मैं इस विधानसभा क्षेत्र से किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं मैदान में उतर रहा हूँ। और किसानों का आशीर्वाद रहेगा तो इस क्षेत्र को से विजयश्री प्राप्त होगी और मैं इनकी समस्याओं को बिल्कुल पूर्ण समाप्त करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। इस कार्यक्रम में मैन मुख्य अतिथि है कौन? मैन मुख्य अतिथि तो रमेश निराला मैं ही हूँ। और यहाँ पे बड़े बड़े किसान लोग आ रहे हैं, कृपाराम यादव जी आ रहे हैं, अशोक कुशवाहा जी आ रहे हैं, महंत अवधेशन जी आ रहे हैं, और बहुत एक सभी जनप्रतिनिधि, सरपंच, जनपद सदस्य, उपाध्यक्ष, जनपद के ग्रामीण और खास तौर पे गरीब किसान है इसमें कार्यक्रम में। अगर नगर वासियों ने आपको विजय प्राप्त कर दिया, जो आप कह रहे हो ये काम दूर हो पाएंगे किसान के लिए? देखिए, जिस तरीके से मैंने नगर परिषद में सारी समस्याओं का निराकरण किया है और विधिवत तरीके से, और दोबारा भी मैं निर्दलीय जीत के आया हूँ, यहाँ भी मैं ये पूर्ण विश्वास के साथ परमपिता परमेश्वर की, जनता की उससे विश्वास की, अपने सहयोगियों के विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं सारी किसानों की समस्या को दूर करने का पूर्ण प्रयास करूँ। क्या मानते हो रमेश निराला जी, इस बार प्रत्याशी जो बने हुए, इस बार कार्यसरणी को लेकर काम हो पाएंगे विजय होने के बाद? कितना विश्वास है आप सभी को? 100% कितना विश्वास है? 100% निराला जी से अच्छा तो कोई प्रत्याशी अभी तक आया नहीं है। निराला जी संघर्ष करो, और अभी आपने मीडिया और निराला जी की बात, और हर फिर से वही रंगारंग कार्यक्रम। बुंदेलखंड की आर्थिक पार्क के बालकों को दाऊद से आप दोनों का उस मंच पर सादर 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 आइए आइए। Thank you.
आप सभी हमारे मेहमान हैं। इस कार्यक्रम के मेहमान